जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की एक मीटिंग आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में आयोजित हुई। इस मीटिंग में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार के साथ ट्रैफिक पुलिस और ऑटो यूनियन के पदाधिकारी शामिल रहे। मीटिंग में ऑटो के रूट तय करने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। यातायात माह चल रहा है, ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन एडीएम सिटी कार्यालय में किया गया। सड़क सुरक्षा संबंधी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही ऑटो के रूट तय करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा, तो वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर एडीएम सिटी, एसपी सिटी और ट्रैफिक पुलिस ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की। उसी की रिफरेंस में हम लोगों ने ऑटो के संबंध में वार्ता करी कि ऑटो के रूट तय करने को लेकर, अभी वो वार्ता भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, लगातार अभी एक मीटिंग और होगी, देखते हैं फिर ऑटो को जोड़ लेते हैं। सर, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया? अभी तो फिलहाल किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर असहमति हम लोगों की है। टेम्पो यूनियन वाले भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, कुछ और तय करके आते हैं, विचार करके आते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित हुई इस मीटिंग में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, यातायात निरीक्षक पवन कुमार, ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी किशन लाल सहित कई लोग शामिल रहे।